स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये जो पोस्टें हैं निकाली गई हैं, जो कि जीडी की रिक्रूटमेंट इसमें निकली है, जो कि आर्मी के लिए रहने वाली है। और ये किस तरह की आर्मी है? ये सेंट्रल पुलिस आर्मी है, जो कि आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है, जिसमें CAPFS के पद और SSF के पद और राइफलमैन जीडी के पद और आसाम राइफल एंड स्पॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन के यह पद निकले हैं। तो अभी लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी भरने की, तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो यह जो जिसका लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप सेंट्रल पुलिस फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी सारी पोस्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ नोटिफिकेशन। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके जॉब से रिलेटेड। तो टोटल जो पोस्ट है, ग्रैंड टोटल देखा जाए इन सभी पोस्टों का, तो 24,369 पोस्ट रहने वाली है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो भर्ती के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो कितनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने के लिए कितनी डेट है, इस वीडियो में हम पता करेंगे। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक रहने वाली है पूरा। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट इसकी बताई गई है वो जो है आपकी 30/11/2022 बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, उसके लिए बताई गई है जो फीस जो होगी आपकी सबमिट, जो अगर आपकी फीस में थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो 12/12/2022 को बताया गया है। और शेड्यूल जो है आप देख सकते हैं इसका, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, और इसकी पूरी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन जितनी भी आपको जो इससे रिलेटेड क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी रहेगी, और एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन रहेगा, तो एससी और एसटी के लिए जो रिलैक्सेशन बताया गया है इसमें, वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन बताया गया है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन बताया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें बताया गया है। तो अभी बात करते हैं, और भी जितनी भी जानकारी है वो आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन पे देता रहता हूँ। तो अगली जो आपको अगर इसको सबमिट करना है, ये जो एप्लीकेशन है आपको किस वेबसाइट पे सबमिट करनी है, और आपको अगर ऑफिशियल पीडीएफ अगर आपको वेबसाइट से देखना है, तो आप एसएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये अभी रिलीज़ किया गया है। और एप्लीकेशन फ़ीस, जो फीस की बात करें, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, और जितनी भी और जानकारी है वो आपको इस पीडीएफ पे मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।